हेलो दोस्तों, मैं हूँ एगॉक्स और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टेंशन गेमिंग बॉडी को पूरी तरह से कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो पहले टेंशन गेमिंग बॉडी को खोलें और डायग्नाइस में जाइए। और इधर आप देख सकते हैं कि मैं विंडोज़ 10 चला रहा हूँ, फिर भी इधर विंडोज़ 864 बिट दिखा रहा है और मेरा सीपीयू है i5 4440, जो कि 4 कोर वाला है, लेकिन एकदम नॉर्मल 3.10 GHz का है। मेमोरी 8 GB और मेरा यहाँ पर मेन चीज़ देखने की ये है कि ओपन जीएल और डायरेक्टरी 3DX फीचर कौन सा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ओपन जीएल पूरा जीपीयू के ऊपर डिपेंड रहता है और डायरेक्टरी एक्स जो है वो सीपीयू के ऊपर होता है। तो पहले हम इसको क्लोज करेंगे और पहले तो इधर जाएंगे, ओपन फाइल लोकेशन, ऐप मार्केट जो कि ये मेन ऐप है, इसको प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कंपैटिबिलिटी टैब में। आप चाहे तो इधर डायरेक्टली कर सकते हैं कि विंडोज़ 8 सेलेक्ट करके रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड विद विंडोज़ 8 या फिर आप 7, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे अगर आप चेंज करना तो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फिर भी ट्रबल आ रही है तो आप ये एक ट्रबल शूटर यूज़ कर सकते हैं रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ। और ये प्रोग्राम को हर बार रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करके अप्लाई कीजिए, ताकि ये पूरा रिसोर्सेस सब कुछ राइट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन होने में, F11 होने में ट्रबल हो रहा है तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, अनेबल भी कर सकते हैं आप फिक्स करने के लिए, पर मैं रखूँगा कि डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, वो बंद रखना है। मैं ओवरराइड नहीं करने वाला ओवरराइड हाई DPI स्केलिंग, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन वो मैं नहीं करने वाला क्योंकि उससे प्रॉब्लम होता है। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, उसको क्लोज़ कर दीजिए और फिर यहाँ पर लिखे DXTIAG और ये प्रोग्राम को रन करें। इससे आपका ये डायरेक्टरी एक्स वाला खुल जाएगा। अगर आपको कुछ पूछ रहा है येस नो, तो आप येस दबाएं, इधर आपको पूरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा विंडोज़ 10 प्रो है, फिर भी इसके अंदर विंडोज़ 864 बिट दिखा रहा है, क्योंकि विंडोज़ 8 काफ़ी मतलब स्टेबल था और विंडोज़ 7 भी। आप देख सकते हैं कि इधर लिखा है 4 CPU और है 3.1 GHz पे। अगर आपको शायद लिखा भी होगा कि 4 CPU और 8 थ्रेड्स भी लिखा होगा, तो भी आप इधर सिर्फ 4 CPU सेट कर सकते हैं। 8 GB RAM है और ये विंडोज़ 10 में डायरेक्टली X12 होता है, तो इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का पहले से ही स्मार्ट मोड पे होगा, जो कि अच्छा नहीं है और हर बार चेंज हो सकता है। अगर आपके पास अच्छा GPU है तो ओपन जीएल प्लस सिलेक्ट करें। अगर आपके पास अच्छा CPU है, जैसे कि i7 है और या Ryzen 5 या एकदम हाई एंड वाला है 6 कोर वाला, तो आप डायरेक्टली ये एक्स प्लस सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास गोटू डियो भी है लेकिन वो 4 GHz या 6 ज़्यादा है पर कोर का प्रोसेसर, तो आप डायरेक्टली एक्स प्लस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा 1080 Ti है इसलिए मैं, या फिर आपके पास 1060 होगा, 1050 Ti होगा, तो आप ओपन जी एल प्लस सिलेक्ट करें। और मेक श्योर टू, अगर आपके पास डेडिकेटेड GPU है, जैसे कि 8 मतलब कोई भी NVIDIA का या फिर AMD का कार्ड है, तो आप प्रायोरिटाइज डेडिकेटेड GPU का क्लिक करें। अगर आपके पास सिर्फ इंटेल HD है या फिर रीजन का APU है, तो आपको इसको अनटिक करना पड़ेगा क्योंकि वो डेडिकेटेड GPU नहीं है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे और डेडिकेटेड GPU नहीं है, तो आप जब भी प्लेन के अंदर से कूदेंगे तो आपका लैग होगा। तो इसको GPU है तो टिक करें और GPU नहीं है तो अनटिक करें। एंटी एनालाइजिंग आप डिपेंड कर सकते हैं कि कितना GPU पावर है आपके पास। अगर आपके पास अच्छा GPU है तो अल्टीमेट ले सकते हैं, बैलेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूँगा कि क्लोज़ रख सकता। अभी रैम मेमोरी जो है मेरा 8 GB, जो काफ़ी कॉमन है, तो मैं उसका सिर्फ आधा ही रखूँगा। अगर आपके पास 6 GB या 4 GB है, तो आप 2 GB पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 GB है, तो फिर आप 4 GB सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें, खास करके क्रोम या मोज़िला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड लेता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसर, जो कि मैंने 4 सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास 4 CPU हैं। कई के पास 4 CPU और 8 थ्रेड भी होगा, और या फिर 2 CPU 4 थ्रेड या फिर 2 CPU ही होगा। तो अगर आपके पास 2 CPU है,
तो आप सिर्फ दो सिलेक्ट कीजिए, लेकिन फिलहाल मैं चार पे रखूँगा मेरा फुल यूसेज करने के लिए। अगर आपके पास दो सीपीयू है और आप डर रहे कि मेरा 60 FPPS पे नहीं चलेगा, तो आप भूल जाइए, क्योंकि मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है जो मैं एक वीडियो और डालूँगा जिसके अंदर आप सीपीयू पावर और विंडोज़ का परफॉर्मेंस पूरा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा बाद में, या फिर वो वीडियो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो। काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे कि मेरा पेज फाइल इतना ज़्यादा क्यों है, 27 GB तक, वो मैं आपको और एक वीडियो में बता दूंगा कि इससे आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप टेंशन गेमिंग बड़ी को रन करेंगे पूरा, तो ये ऑलमोस्ट 9 GB तक ज़्यादा यूज़ करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2 GB, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। शायद ये वाला वीडियो देख के आप शायद मेरे को डोनेट भी कर देंगे और खुद सोचेंगे कि अपग्रेड करने का भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। रेजोल्यूशन है जो मैंने 576 किया है, जो थोड़ा पिक्सल मेरे को ज़्यादा दिखाता है, अगर मैं 1080p भी ले सकता हूँ, लेकिन 720p भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत लो एंड लैपटॉप या कोई भी पीसी है, तो आप सबसे लोएस्ट में सिलेक्ट करें। DPI से मैंने ओवरराइड तो नहीं किया, इसलिए कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट 160 या 120 पे प्रेफर करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों इतना लो लिया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने अल्ट्रा 2K HD लिया है, क्योंकि मेरा 1080 Ti है। अगर आपके पास इंटेल HD या रेजन मतलब AMD का APU है, तो आप 720p ही सिलेक्ट करें। अगर आपके पास नॉर्मल है 1050 Ti, तो आप 1080p सेलेक्ट करें, और अगर उससे भी अच्छा है तो अल्ट्रा 2K। डिस्प्ले क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आई प्रिफर स्मूथ, फॉर शेडर रिमूव हो जाता है, शेडो रिमूव हो जाता है, तो स्मूथ ही सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपको 60 FPPS पे खेलना है तो। और आप इसको थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, बट आई प्रिफर 576, क्योंकि पिक्सल बड़ा दिखेगा, अगर कोई पिक कर रहा हो तो वो आसानी से दिख सकता है। अब इसको क्लोज करके प्ले करेंगे। अब ये जब भी प्ले होगा, तो आपको टास्क मैनेजर खोलना पड़ेगा। अब जितनी बार भी टेंशन गेमिंग बॉडी को ऑन करेंगे, तो उतनी बार हम लोग इसका प्रायोरिटी, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो गो टू डिटेल्स जा सकते हैं, और इसके अंदर आप प्रायोरिटी अबाउ नॉर्मल या हाई कर सकते हैं, ताकि ये CPU और मेमोरी और ये पूरा यूसेज टेंशन गेमिंग बॉडी को ज़्यादा दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, डिस्कॉर्ड तो मैंने क्लोज़ कर दिया, और फिर भी मेरा अच्छा चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग मोड में जाएंगे अब हम लोग, इधर शो FPPS करता है, फुल स्क्रीन करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट नो लैग पूरा, आप लैग फ्री कर सकते हैं ब्रो, पूरा का पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक एक बार थम्स अप तो बनता ही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखिए, मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Make him spicy, Papa.